हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू इनिशिएटिव ऑफ रॉयल आईएएस एकेडमी। आपके लिए न्यूज आर्टिकल्स कम टाइम में टू द पॉइंट कॉम्पिटिटिव व्यू से डिस्कस किया जाता है। यहाँ पे आज का सबसे पहला आर्टिकल है इंडिया विल स्ट्रेस क्लाइमेट जस्टिस, जो COP26 होने वाला है ग्लासगो में, उसमें इंडिया क्लाइमेट जस्टिस पे जोर देगा। हम इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कि ये क्लाइमेट जस्टिस एक्चुअली है क्या। क्लाइमेट जस्टिस का सिंपल सा मीनिंग है कि सपोज कीजिए तीन कंट्री है, यूएसए, चाइना एंड इंडिया। चाइना इमिशन नंबर वन, यूएसए नंबर टू, इंडिया आफ्टर ईयू नंबर फोर और कंट्री वाइज नंबर थ्री। ये टॉप के तीन एमिटर हैं। जीएचजी के कह लें आप, कोल से रिलेटेड जो एमिशन होता है उसके कह लें आप। अब चाइना ने टारगेट रखा कि 2030 तक मैं कोल इमिशन से होने वाले जीएचजी को मैं 50% कम कर दूंगा, जबकि वो नंबर वन है एमिटर में। यूएसए ने कहा मैं भी उतना ही करूंगा, इंडिया कहे मैं भी उतना ही करूंगा, या इंडिया को ये दोनों बोले कि तुम भी बोलो उतना ही करोगे। क्या ये जस्टिस है? नहीं है। अब भैया तुम अगर चाइना, तुम अगर नंबर वन एमिटर हो तो तुम सबसे ज्यादा करोगे, या एटलीस्ट इंडिया तुम्हारी बराबरी क्यों करेगा, वो 50% कम क्यों करेगा। दिस इज क्लाइमेट जस्टिस। कहां पे ये बातें होंगी? ये COP26 का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये शुरू कब हुआ था? अर्थ समिट से, 1992 से चल रहा है ये। ये 26वां है, एक्चुअली ये 27वां होता 2021 में, लेकिन कोविड की वजह से 2020 में नहीं हो पाया था। अब नवंबर 2020 में ये पार्टी अपनी मीटिंग्स कर रही हैं, जिसमें बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है प्री के व्यू से, वो ये है कि इंडिया का कमिटमेंट है 450 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का 2030 तक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। COP26 ग्लासगो, जो कि यूके में पड़ता है, वहां पे होना है। पेरिस क्लाइमेट के बाद बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है इसको, तो इसके बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो आपके पास उतना बेहतर होगा प्री क्वालिफाई करने के लिए। एक आर्टिकल आया है कि मुफ्ती फॉर टेरर आउटफिट डज नॉट सपोर्ट फॉर टेरर आउटफिट डज नॉट अट्रैक्ट यूअप्पा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई पर्सन किसी टेरर आउटफिट को सपोर्ट करे तो वो उप्पा यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज में जो प्रोविजंस हैं उसके अंडर नहीं आएगा। बहुत अजीबोगरीब फैसला है, नो डाउट। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए एक लीडर है कश्मीर में, मुफ्ती नाम है उनका, मोहम्मद मुफ्ती हैं, और भी बड़ा नाम है उनका। तो अब अगर जो मुफ्ती साहिबा हैं ये जम्मू कश्मीर में, ये वहां की सीएम भी रह चुकी हैं, जम्मू कश्मीर में एक टेरर आउटफिट है जैसे मोहम्मद, तो जैसे मोहम्मद को अगर ये हेल्प करती हैं या उसका मेंबर बन जाती हैं तो ये उप्पा के अंदर नहीं आएंगी। बहुत अजीबोगरीब है, ड्रैकोनियन तो उप्पा से ज्यादा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला लग रहा है, मतलब गजब बेवकूफ वाली बातें कर रहे हैं जज। अब या तो इनके उम्र को कम कर दे गवर्नमेंट ऐसा लॉ वगैरह ला करके। आप खुद सोच करके देखिए कि एक पर्सन जो किसी टेरर आउटफिट को हेल्प करे उसका मेंबर बने, लेकिन वो अप्पा के अंदर नहीं आएगा। जबकि 2019 में जो अमेंडमेंट लाया गया था वो अप्पा में, उसमें ये प्रोविजन है कि अगर जरूरत पड़ी तो स्टेट गवर्नमेंट बिना एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और बिना सेंटर के हेल्प के किसी भी व्यक्ति, माइंड कीजिएगा किसी भी व्यक्ति या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट या टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सकती है आफ्टर हैविंग सफिशियंट एविडेंस, अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है तो। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उप्पा जो कि 1967 का एक एक्ट है, यह ऐसे व्यक्ति पे लागू नहीं होगा जो टेरर आउटफिट को सपोर्ट करे।
दिस इज अ ब्लंडर स्टेटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नो डाउट। हो हंगामा जरूर मचेगा इस पर। सीएम बाघेल, सोरेन गो फॉर जुगलबंदी टू बू ट्राइबल्स। आपको याद होगा कल वाले में एक आर्टिकल आया था, कल के एडिशन में, ट्राइबल फेस्टिवल रायपुर, रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ का कैपिटल भी है, वहां पे ट्राइबल फेस्टिवल 3 दिनों के लिए आयोजित किया गया है। उसमें 2 ट्राइबल बैकग्राउंड से आने वाले 2 अलग अलग स्टेट के सीएम एक जगह मिले हैं। पॉलिटिक्स है, अलग बात है, बट अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि ट्राइबल फेस्टिवल कहां चल रहा है, तो रायपुर में हुआ है। मुल्ला पेरियार रो फिर से न्यूज में है। केरला में फ्लैश फ्लड की वजह से मुल्ला पेरियार डैम ना केवल कमजोर हो गया है फिर से, बल्कि वाटर लेवल इतना राइज हो गया है कि तमिलनाडु भी फ्लड की चपेट में आ सकता है। केरला ने पैनल का जो व्यू था, जिसमें पैनल ने कहा था कि तमिलनाडु रेज कर सकता है हाइट को, केरला ने ऑब्जेक्ट किया है। मुल्ला पेरियार एक डैम है पेरियार रिवर पर, आपको सही याद आ रहा होगा, पेरियार टाइगर रिजर्व भी है। तो जब कभी पेरियार डैम का हाइट बढ़ाया जाता है, ऐसा 2014 में किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बनाई थी, उसके बाद तमिलनाडु को ये राइट दिया गया था, 2006 में भी किया गया था, तब फ्लड की स्थिति हो जाती है केरला में। और अगर डैम की हाइट ना बढ़ाया जाए तो सफिशियंट वाटर नहीं होगा, तो तमिलनाडु को मिलेगा नहीं। इतना तो क्लियर है कि तमिलनाडु और केरला के बीच में मुल्ला पेरियार रो पानी के बंटवारे को लेकर के है। और ये आज का नहीं, ये जब से बना था 1896 लगभग कम से कम आप 125 साल पुराना कह सकते हैं इसे। अभी डैम का जो हाइट है वो 142 फीट करने की बात की गई है। कोर्ट ने अप्रूव किया था 142, लेकिन केरला का कहना है कि 139 के आसपास रखो तो हम बच जाएंगे। डिटेल में आप फिर कभी इसको देख लीजिएगा फुर्सत में, दिमाग में रहे मुल्ला पेरियार डैम। हामिद अंसारी जो वाइस प्रेसिडेंट है, इनका एक आर्टिकल आया है, पेरिल्स ऑफ आइडियोलॉजिकल सर्टिट्यूड। There seems an order of priorities in place of much of electorate instead of bread and water governance issues. Government, ये कांग्रेस के टाइम पे रहे थे वाइस प्रेसिडेंट, थोड़े से मोहम्मद अली जिन्ना के जैसे बिहेव करने लगे हैं अब, बहुत एजुकेटेड पर्सन है नो डाउट, लेकिन इनका मैंने एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं देखा है जिसमें इन्होंने गवर्नमेंट को कभी सपोर्ट किया हो। वायस ढोके लिखते हैं नो डाउट, अब ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट ने आज तक कोई अच्छा काम किया ही नहीं है, या आप उसको बता नहीं सकते कि भाई ऐसे करो, क्रिटिसाइज करना एक अलग चीज है। पढ़ लीजिएगा, कुछ मिल जाए आपको इसमें मेंस के लिए तो ठीक है, अदरवाइज जो इन्होंने लाइन यूज किया है यहाँ देखिए, द हिंदुत्व एजेंडा ऑफ व्यूइंग मैटर्स, एक पूर्व वाइस प्रेसिडेंट को ये शोभा नहीं देता है ऐसे सब, हिंदुत्व और मुस्लिम की बात करें तो। एक और एडिटोरियल है साइड में पेपर की तरफ से, न्यूज़पेपर की तरफ से, न्यूज़पेपर के एडिटर ने लिखा है क्लियर सिग्नल के नाम से। इसमें चाइना ने जो नया लॉ लाया है अपनी बाउंड्रीज को सेफ करने के लिए, बाउंड्रीज लैंड को सेफ करने के लिए, और ये 1 जनवरी 2022 से इफेक्ट में आने वाला है, उसके बारे में बातें की गई है। चाइना ने इस एक्ट में ये कहा है, इस लॉ में ये कहा है कि जिस एजेंसी को जो डिजाइनेट किया जा रहा है, जो काम दिया जा रहा है, आज के बाद वो काम हर हाल में करे टॉप प्रायोरिटी पे रख करके। सपोज कीजिए मैं पीएलए की बात करता हूं, वहां की आर्मी, तो पीएलए को काम दिया गया है कि चाहे जो भी हो जाए बाउंड्री के अंदर कोई नहीं आना चाहिए बाहर कंट्री का, इंडिया, भूटान, नेपाल, उधर रसिया, जो भी इसके साथ टच करते हैं चाइनीज बाउंड्री के साथ। ऐसा नहीं है कि इंडिया का कहीं नाम मेंशन किया गया है उसमें, लेकिन सिग्नल तो इंडिया की तरफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया ने इस पे काफी शार्पली रिएक्ट किया है और बोला है कि जो आपने ये प्रिटेक्स दिया है ये प्रोवोक करेगा चीजों को। चाइना ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है और हम इस चीज को हर हाल में अप्लाई करवाएंगे। तो टेंशन कम होने की जगह टेंशन बढ़ना है, ये तो क्लियर है।
आपको ये पता होगा कि चाइना और इंडिया इनका जो पीएलए है ये टोटल तीन जगह शेयर करते हैं। ये टोटल तीन जगह शेयर करते हैं एलएसी पीएलए के साथ यानी चाइना के साथ, एक कश्मीर लद्दाख में, दूसरा हिमाचल और उत्तराखंड में और तीसरा अरुणाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, गेटिंग द फोकस बैक ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। कोविड तीन साल तक परेशान करता रहा है, 19 से लेकर के 22 भी आ गया, 19, 20, 21। इस बीच में एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई थी गवर्नमेंट ने, एनईपी नेप 2020। कर्नाटका कंट्री का पहला स्टेट है जिसने इसे अप्लाई किया है, इम्प्लीमेंट किया है। तो इसमें कुछ एडवाइस दिए गए हैं कि चाइल्ड एजुकेशन पे कैसे फोकस किया जाए, बिकॉज चाइल्ड ही सबसे बड़ा वर्थ है कंट्री का, किसी भी कंट्री का। कहा जाता है चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। एडिटोरियल में फिर से उस आर्टिकल को शामिल किया गया है, क्लाइमेट डिवाइडेंड। COP26 को द हिंदू क्लाइमेट डिवाइडेंड मानता है, बिकॉज आधे कंट्री कहते हैं दाएं चलो, बाकी के आधे कहते हैं बाएं चलो, फिर उसमें से भी आधे वाले कहते हैं कि नहीं नॉर्थ ईस्ट में चलो, दूसरा कहता है नहीं साउथ ईस्ट में चलो। तो इस डिवाइडेंड का मतलब फिलहाल यहाँ है, मतलब एक मत नहीं है सबके में, एक एडवाइस सबका नहीं है, एक विचार नहीं है कि क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टारगेट रखा गया है, बार बार यूएनसीसी भी कहती रही है, आईपीसीसी भी कहती रही है कि 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, जो पेरिस एग्रीमेंट में बात हुई थी कम करने की, कम रखने की इस सेंचुरी के अंत तक, उसके लिए कोल इमिशन को कम करना पड़ेगा सबको, और जो जितना ज्यादा यूज कर रहा है उसको उसी रेशियो में कम करना पड़ेगा। इस पर सब लोग सहमत नहीं है। चाइना, यूएस और ईयू नंबर तीन पे ईयू आता है अगर कंट्री की बात ना करें तो, वैसे कंट्री में फिर इंडिया आ जाएगा। इनका कहना है कि हम ज्यादा शेयर जरूर कर रहे हैं, हम ज्यादा एमिट जरूर कर रहे हैं, लेकिन कम उतना ही करेंगे जितना बाकी के कंट्रीज करने को तैयार है। ये तो बिल्कुल गलत चीज है, कहीं से कोई लॉजिक ही नहीं है इसका, तो इस पे बात होनी है। अपने मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि हम सोशल जस्टिस की बात करेंगे। एनडीपीएस, ये ड्रग एक्ट, ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, जो कि 1985 में लाया गया था और इसे हाल ही में अमेंड भी किया गया है। इनफैक्ट हाल ही का मतलब यहां करीब 8 साल पहले का है, 2014 में अमेंड किया गया था इसे। इसके प्रोविजन नो डाउट बहुत ही स्ट्रिक्ट वाले हैं। एक कमिश्नर हैं तेलंगाना के, महेश भागवत, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। इन्होंने एडवाइस दिया है कि क्या चेंज हो सकता है एनडीपीएस में। अभी काफी न्यूज मेरा है एनडीपीएस सर्टेन पर्सन को लेकर के। एनडीपीएस आया कब, इसका दो सेक्शन इंपॉर्टेंट है, एक 27 और एक 27A। 27 जहां ड्रग रखने या कंज्यूम करने के लिए सजा का प्रावधान देता है, प्रोविजन करता है, 27A ड्रग बिजनेस में शामिल लोगों को सजा देने का प्रोविजन देता है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, विनोद राय अपोलोगाइजेज टू संजय निरुपम। याद होगा विनोद राय एक टाइम पे काफी ज्यादा फेमस हुए थे, इनकी लिखी हुई बुक भी पूछी गई थी यूपीएससी में, और तब से कैग हाईलाइट हो गया था, कैग 148, आर्टिकल नंबर 148, 148। अभी कौन है कैग? अभी जो कैग है वो है मुर्मू साहब, जीएस मुर्मू। इन्होंने उस टाइम पे 2G एलोकेशन में प्राइम मिनिस्टर को बचाने के लिए कुछ लोगों पे इल्जाम लगाया था कि उनका फोन आया था मेरे पास, आज उनका कहना है, कल उनका कहना था, मतलब आज के पेपर में, कि नहीं वो गलत बात थी, किसी ने उनको फोन नहीं किया था। तो ऐसी चीजों से क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है। फिर विनोद राय बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे एक टाइम पे, और बहुत क्लीन पर्सनालिटी मानी जाती थी उनकी। मोदी जी पोप से मिलने वाले हैं, वही पोप जहां महिलाएं नहीं होती हैं, पोप केवल पुरुष पोप हो सकते हैं।
आप समझ सकते हैं क्या कहना चाहता हूं मैं। जेंडर वाइजिंग, जेंडर इंपावरमेंट, यूरोप, पोप, COP26, मिलिए भाई जिससे मिलना है मिलिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। काट्सा पहले भी हमने डिस्कस किया है, आज फिर से न्यूज आर्टिकल में है। काट्सा, काट्सा का पूरा नाम है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। 2017 में अमेरिका ने एक एक्ट पास किया था जिसमें उन सारे कंट्रीज को काउंटर करने की बात की गई थी जो या तो बिजनेस के थ्रू या डिफेंस के थ्रू या किसी और टाइप से अमेरिका को काउंटर कर सकते हैं, अमेरिका के लिए एडवर्सरी का काम कर सकते हैं। तो नाम ही एडवर्सरी पे रख दिया था, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज, CAA। ये इंडिया वाला CAA नहीं है, ये काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज है। TSA थ्रू सैंक्शन एक्ट, अमेरिका ने रूल लाया कि अगर कोई कंट्री अमेरिका के अगेंस्ट इकोनॉमिकली, फिजिकली, पॉलिटिकली, जैसे भी किसी भी टाइप से अगर आगे बढ़ती है तो अमेरिका उस पर सैंक्शन लगाएगा। क्या सैंक्शन लगाएगा? वो आपको सामान नहीं देगा, टेक्नोलॉजी नहीं देगा, आप जो जरूरत की चीजें वहां से मंगवाते हैं वो नहीं देगा। अभी काट्सा न्यूज में आया है, हाल ही में हमने S-400 मिसाइल, जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, जो 400 किलोमीटर तक के मिसाइल को, एयरक्राफ्ट को नष्ट कर सकती है, इंडिया ने रसिया से मंगवाया है, डिलीवरी लिया है। अब यूएसए को लगता है कि ये इंडिया का ये स्टेप ये काट्सा को अट्रैक्ट करता है। इसी पे ये आर्टिकल आया है, डिटेल में एक बार काट्सा को आप देख लें पहले कब कब अप्लाई किया गया था इसके बारे में, और रूल याद रहे 2017 कब आया था। ये इजराइल गवर्नमेंट का कहना है कि पेगासस केवल गवर्नमेंट को दिया गया था, किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दिया गया था। अरे भाई तुम किसी को दो, गलत है ना, किसी की प्राइवेसी पर तुम नजर डाल रहे हो, कौन किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर तुम्हारे साथ ये किया जाए तो, अगर ये नाओर गिलोन जो कि इनवो एम्बेसडर है इजराइल के, अगर इनके बेडरूम में या इनकी पर्सनल लाइफ में इनके बच्चे, इनकी बच्चियां जो भी है ना, सबके मोबाइल में डाल दिया जाए पेगासस, कितना अच्छा लगेगा इनको। तो कभी भी दूसरों के साथ वो चीज ना करो जो तुम्हें खुद पसंद ना हो। पेगासस गलत है तो है, ठीक है, पेगासस तुम सेलेक्टिव यूज करो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट यूज करो तो ये तो हो नहीं पाता है। जब पेगासस के बाद ऐसा तो है नहीं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव नहीं है, तुम गवर्नमेंट को दे देते कि लो कश्मीर में यूज करो भाई, तो ऐसा तो हुआ नहीं। एनीवे, बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। पहले भी देख चुके, ये पहले के पेज में भी था, चाइना रिजेक्ट्स कंसर्न ओवर बॉर्डर लॉ। इंडिया ने कहा है कि जिस प्रीटेक्स्ट पे आप वो लॉ निकाल रहे हैं, 1 जनवरी 2022 से वो इफेक्टिव होने वाला है, वो गलत है, उसको रिकंसीडर करो और मॉडिफाई करो। चाइना का कहना है कि सोवरनिटी फर्स्ट, नो कम्प्रोमाइज। अब देखना यह है कि इंडिया क्या एक्ट लेकर आती है। एक्शन अगेंस्ट एमपी जॉन आरएस रक्कस पेंडिंग, याद होगा आपको, कुछ राज्यसभा के सांसद ने बदतमीजी की थी हमारे वाइस प्रेसिडेंट कम चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के साथ, तो इस पे एक सस्पेंशन के लिए करने के लिए एक कमिटी बनी थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए और एडवाइस करने के लिए। राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने मना कर दिया था कि मैं इस कमिटी का मेंबर नहीं बनूंगा। एक्चुअली यहां पर जो सस्पेंशन की बात है, ये इंटरनल इंक्वायरी होती है इस टाइप की, डिसिप्लिन वाली चीजों में, डिसिप्लिन कमिटी होती है दोनों लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग। यहां पर एंटी डिफेक्शन नहीं आएगा अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। एंटी डिफेक्शन केवल तब आता है जब पार्टी बदल ले, पार्टी की बात ना माने, पार्टी के गाइडलाइन के अगेंस्ट जाकर के वोट करे या पार्टी के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे, तब एंटी डिफेक्शन लॉ यानी शेड्यूल 10 को अप्लाई करवाया जाता है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इंडिया ईयू ट्रेड टॉक्स रिज्यूम बाय दिसंबर। ये ट्रेड याद होगा बटिया, सीधा पूछ दिया जाता है बटिया किसके किसके बीच में है, तो ये इंडिया और ईयू के बीच में है, काफी पुराना मसला ये 2007 का, जो फिर से रिज्यूम किया गया 2020 में। बटिया का मतलब है बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बटिया किसके किसके बीच में है, इंडिया और ईयू के बीच में। ये हर उस तरीके कनेक्टिविटी को इंपॉर्टेंस देता है जो दोनों कंट्री को फायदा पहुंचा सकता है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो।
बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आजकल आर्टिकल से ज्यादा ऐड आ रहे हैं आप पेपर में, और अगर और भी बच गया टाइम तो फिर फालतू के आर्टिकल जिनका कोई लेना देना नहीं है, ना तो सोशल रिफॉर्म से, नहीं किसी ऐसी चीज से। एक टर्म आया है, तुषार गांधी चैलेंज साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम याद होगा, महात्मा गांधी 72 चेले, 1930 दांडी मार्च। दांडी के लिए मार्च करना दांडी मार्च कहलाता है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि मार्च कहां से गए थे, दांडी से कि साबरमती से? तो भाई ये साबरमती से चले थे, और गए कहां थे, दांडी गए थे। तो यही साबरमती क्वेश्चन आ सकता है, ये काफी रिपीट हो रहा है अभी। तुषार गांधी का कहना है कि जो रिवैम्प किया जा रहा है, फिर से बनाया जा रहा है, वो सही चीज नहीं है। तुषार गांधी गांधी परिवार के हैं, गांधी के पोते बोते हैं ये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट, जिससे कि एमबीबीएस के लिए एडमिशन होता है ऑल ओवर द इंडिया, उसके रिजल्ट को डिक्लेयर किया जा सकता है। एक हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था कि फिर से एग्जाम करो 2 एस्पिरेंट के लिए केवल। सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को स्टे कर दिया, उस पर स्टे लगा दिया है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। बिडेन ने प्रपोज किया है डॉलर 1.85 ट्रिलियन का, अब तक का सबसे बड़ा प्रपोजल है ये। प्रपोजल ही है केवल, ये जमीन पे कितना आएगा ये तो देखने की चीज है। सोशल सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट प्लान, यूएस प्रेसिडेंट सीक सपोर्ट फॉर बिल्ड बैक बेटर प्रपोजल B3 वर्ल्ड की बात की जा रही है। बिल्ड बैक बेटर प्रपोजल, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रपोजल कहें तो ज्यादा बेहतर है। इसका शॉर्टकट में नाम है B3। ये B3W का मतलब है कि पहले दुनिया जैसी थी वैसा फिर से बनाते हैं हम, जहां ना तो क्लाइमेट चेंज का कंसर्न था। हाँ, वर्ल्ड वॉर तो होते रहे थे, लेकिन उससे भी पहले की दुनिया बनाएंगे जब शांति थी हर जगह। तो ये एक इनिशिएटिव है B3W, इसमें यूएस भी शामिल है। यूएस का कहना है कि हम डॉलर 1.85 ट्रिलियन देंगे इसमें, अच्छी बात है, लेकिन दो तब तो। आई ऑन अफगानिस्तान चाइना टू बिल्ड मिलिट्री बेस इन तजिकिस्तान, ये कोई नई बात नहीं है। चाइना का जो ओवर पॉलिसी है वन बेल्ट वन रोड, वो ऑलरेडी यूएसए यानी नॉर्थ अमेरिका को छोड़ करके वर्ल्ड के हर कोने में कुछ ना कुछ बना चुका है, हर किसी को कनेक्ट कर चुका है पर्ल ऑफ स्ट्रिंग में अपने। तो तजिकिस्तान में बना ले, अफगानिस्तान में ही बना ले जाकर के, कोई नई बात नहीं है चाइना के लिए। साई कन्फर्म्स यूएस ट्रूप्स प्रेजेंस इन ताइवान, ये साई कौन है? ये साई अपने साई बाबा नहीं है, टी साइलेंट है इनके नाम के आगे का, साई इंगवेन। ये ताइवान की प्रीमियर हैं, ताइवान की लीडर हैं, ये प्रेसिडेंट कह लीजिए आप इनको। ये कहती हैं कि ताइवान एक कंट्री है अपने आप में, सॉवरन कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री है इनका मानना है। चाइना कहता है कि तुम हमारा एक स्टेट हो। हांगकांग के साथ भी यही प्रॉब्लम है, तिब्बत के साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो ये इंगवेन में भी प्रीमियर आ जाए, ये ताइवान की लीडर है, और इन्होंने आज कंफर्म किया है कि हाँ यूएस के ट्रूप हमारे कंट्री में हैं, यानी ताइवान में हैं, कंट्री तो चाइना ही है। चाइना ने एक्यूज किया है यूएस को ट्राइंग टू स्टर अप ट्रबल। कुछ दिन पहले खूब बवाल चल रहा था, अभी शांत चल रहा है। चाइना ने कहा है कि यूएस ट्राई कर रहा है, और ये फैक्ट है, जब भी तिब्बत की बात आती है सबसे पहले यूएसए सपोर्ट में आता है कि नहीं तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है, तिब्बत चाइना के अंदर नहीं आता। जब भी हांगकांग की बात आती है यूएसए सपोर्ट करता है हांगकांग के इंडिपेंडेंस को। अभी पिछले महीने तक खूब बवाल होता रहा है, खूब मारपीट होता रहा है, गोलियां चली हैं, लोग मारे भी गए हैं। और ताइवान को तो खुलकर सपोर्ट करता है, ताइवान में तो यूएसए एम्बेसी तक का प्लान करता है। पुरानी हिस्ट्री है यहाँ पे कि तब कब ताइवान में कैसे क्या हुआ था। जैसे यहाँ देखिए एक लाइन में लिखा हुआ है कि साई कमेंट्स आर द फर्स्ट टाइम ए ताइवानी लीडर हैज पब्लिकली मेड सच एन एडमिशन सिंस द लास्ट यूएस गैरिसन लेफ्ट इन 1979 व्हेन वाशिंगटन स्विच डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन टू बीजिंग। 1979 से पहले, आज से 26 साल पहले लगभग, यूएसए ने, आज से लगभग 26 नहीं 21 साल उधर 42 साल पहले
यूएसए ने चाइनीज डिप्लोमेटिक रिलेशन को वैल्यू देना शुरू किया था और तब उसने अपना बेस ताइवान से हटा लिया था। उसके बाद से लेकर के आज तक में ये फर्स्ट कोई ऐसी लीडर है जिसने पब्लिकली ये बोला है कि हाँ अमेरिकन सैनिक है ताइवान में। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल टर्मोइल साबित होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फेसबुक ने अपना नाम चेंज कर लिया है पेरेंट कंपनी का और नाम कर दिया है मेटा। फेसबुक, ट्विटर, गूगल, व्हाट्सएप, आजकल पीसीएस में कम से कम ऐसे एग्जाम पूछे जा रहे हैं क्योंकि साइंस एंड टेक में यही हो रहा है। तो फेसबुक ने अपना पेरेंट कंपनी का नाम चेंज कर दिया है मेटा, META। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। म्यांमार मिलिट्री टॉर्चरिंग डिटेनीज अक्रॉस कंट्री। एक प्रोब हुआ है आउटसाइडर्स ऑफ म्यांमार की तरफ से, जिसमें आपको याद होगा रोहिंग्या इशू, जिसे कि बांग्लादेश के एक ऐसे आइलैंड पे ले जाकर फेंक दिया गया है जो कभी भी धस सकता है। तो उसी म्यांमार में ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सामने आया है कि काफी ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है जो डिटेनीज है। अच्छा, ये डिटेनीज वो रोहिंग्या वाले नहीं है, रोहिंग्या इशू तो लगभग अभी शांत है क्योंकि सबको भेज दिया गया है। थार छापर एक पड़ता है जगह बांग्लादेश में, आइलैंड है, नया नया आइलैंड है जो कभी भी धस सकता है। ये वो डिटेनीज है जो आंग सान सू की के सपोर्टर है। एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। आंग सान सू की वही पर्सन है जिसने मिलिट्री का यूज किया था रोहिंग्या, यानी जो म्यांमार के मुसलमान हैं, उनको मार भगाने के लिए, उनको मारने के लिए, जीनोसाइड करवाने के लिए हजारों लोगों को मारा गया है, लाखों लोग वहां से भागे हैं म्यांमार से। आज वही मिलिट्री म्यांमार की आंग सान सू की पार्टी के लोगों को डिटेन करके टॉर्चर कर रही है। आंग सान सू की खुद ही नजरबंद है, कहां है पता नहीं। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इकोनॉमी में एक टर्म यूज हुआ है WGC, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, WGC। ये गोल्ड प्राइस, गोल्ड बिजनेस, गोल्ड ट्रेड को मॉनिटर करता है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। इंडिया भी इसका एक मेंबर है और कुछ इसमें ऐसा खास है नहीं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के लिए। शुगर का जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है 305 लाख टन आया है इस वर्ष 2021-22 के सीजन के लिए, 305 लाख टन। शुगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी है, ना केवल इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक ऑफ जो कमिटी है, इकोनॉमिक अफेयर कमिटी, वो खुद इसका MSP निर्धारित करती है, बट ये एक इंडस्ट्री है अपने आप में, कॉमोडिटी कम इंडस्ट्री है ये शुगर इंडस्ट्री, शुगर केन की वजह से है। फिर वो बायोफ्यूल की जो बात चल रही है, यहीं से मिलेगा आपको उसके रफ मटेरियल्स। तो इस बार का जो प्रोडक्शन है 305 लाख टन एस्टिमेट किया गया है, याद रहे प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। कोल इंपोर्ट्स बाय पावर यूनिट स्लाइड टू 7-ईयर लो। कोल जब माइनिंग ही नहीं हो रहा है तो सप्लाई कहां से होगा, सीधी सी बात है, उसी टाइम पे ध्यान देना था। अब भाई रही बात स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स में 2020 चल रहा है, 2020 का वर्ल्ड कप, और कुछ ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप UPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशंस के हेड ऑर्गेनाइजेशंस में क्या हुआ है या कोई ऐसा डेवलपमेंट जो बहुत खास हो, और अगर आप स्टेट PCS भी दे रहे हैं तो कौन कौन सा कप ले गया, कौन कप फ्रेंच कौन ले गया, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है स्टेट के लिए। सो आज के न्यूज आर्टिकल में इतना ही, मिलते हैं कल न्यूज आर्टिकल के साथ।